यू नो एट द फर्स्ट ग्लांस ये काफी शैलो लगता है बोलना, बट द फैक्ट इज हमारी खुशी के साथ पैसे का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है. यू नो हम सब वी ऑल वर्क रियली हार्ड, हम सब काम पर जाते हैं, वी ऑल गो टू वर्क समटाइम्स ऑन डेज जहाँ पे हमारा बिल्कुल मन नहीं है बिस्तर से बाहर निकलने का, वी गो ऑन जॉब्स, हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं विच एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू इफ इट वाजंट फॉर द मनी हम शायद ऐसी चीज़ें ना करें. एंड द रीजन वी डू ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज हमारा एक अजम्पशन ये है कि हम जब पैसा कमा लेंगे, आपके माइंड में जो भी है वो फिगर हो सकता है, अजम्पशन ये है कि उसके बाद हम ऐसे टाइप का शायद घर खरीदेंगे या ऐसे टाइप की वेकेशंस लेंगे या ऐसी टाइप की लाइफ जियेंगे. बट what if you don't end up doing that? Meri mom, I think 38 years ki thi when she passed away. Wo Simla se thi, she got married to my father, wahan se aa gaye. My dad was in Navy, to hum log travel karte the. And I, you know, and the Fauji lifestyle is a very nice lifestyle, but at the same time, uspe paise waise nahi hote. Aapka lifestyle acha hota hai, because aapko sarkar ghar deti hai, and you know, you live in these beautiful places. Mere ko yaad hai, meri mom hamesha paise jodti rehti thi. In fact, jo unka ghar, hum log ek time pe, I think hum log, mere dad ki posting Port Blair mein hui thi, jo ki kaafi dur hai. And hum jab vacations pe bhi jate the, bahut time ke baad jate the, because you know, my mom would keep collecting money, and that was really good. Today I think the fact that my dad and me have a decent lifestyle is because obviously jo meri mom ne paisa joda tha, we're obviously enjoying that. She isn't, she passed away. You know, I keep thinking about this. I'm the only son. I don't think I'm going to get married, so I don't think I'm going to have children, whatever. But you know, you keep thinking about the fact that we keep collecting so much money, but we really very rarely enjoy it. And main khud uska guilty hu. I have a nice life, but the fact is मैं अपने आप पे बहुत कम खर्चा करता हूँ, because मुझे खाने से हमेशा मोटापा हो जाता है. Travel में हमेशा shoots के लिए कर लेता हूँ. घर मेरे पास already है, I already drive a nice car, so ऐसा नहीं है कि I have a lot of खर्चा in my life, but I always keep thinking about the fact that अगर आपने इतनी मेहनत की है to be able to build a life for yourself which you should be enjoying, then what stops us from really doing it? कितनी बार होता है where I've seen people when you go out with them and who have a lot of the money. एक तो होता है अमीर होना और पैसे से, और एक होता है अमीर होना दिल से. आई थिंक यू नो विद अ लॉट ऑफ पीपल हु पैसा उनके पास होगा पर वो कंजूसी कर लेते हैं और वो सिर्फ अपनी लाइफ के लिए अपने ही मन मारते रहते हैं, यू नो, एंड दे सिर्फ डोंट डू इट. आई ऑलवेज कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट आई नो बाहर से किसी को नहीं लगता है वर्क रियली हार्ड, बट आई वर्क रियली हार्ड टू अर्न मनी. ऑलराइट, आई डू मल्टीपल थिंग्स, मुझे बहुत मजा आता है, आई लव द फैक्ट दैट आई डू, बट दैट्स अ लाइफ आई हैव क्रिएटेड फॉर माय सेल्फ. जस्ट थिंक अबाउट दिस. आई थिंक बिफोर यू स्टार्ट सेइंग दैट यू नो आई नीड टू कीप सेविंग और दिस एंड दैट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है हमारी जिंदगी का, टू सॉर्ट ऑफ प्लान फॉर द फ्यूचर, टू हैव सेविंग असाइड. बट डोंट फॉरगेट दैट यू ऑल्सो हैव टू लिव इन द नाउ. आई डोंट वॉन्ट दिस टू साउंड मॉर्बिड एंड आई डोंट वॉन्ट दिस टू साउंड पेसिमिस्टिक. हमेशा मुझे बोलते भी सिर्फ डर लगता है, बिकॉज मैं बहुत लाइक वेमी और सुपरस्टिशियस हूँ, बट यू नो जैसे मेरी मम की डेथ हो गई, शी वॉज 38, शी हैड नो प्रॉब्लम टू जस्ट पूफ वन डे वी जस्ट लॉस्ट हर. यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू हू. एंड आई ऑलवेज कीप फीलिंग दैट अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन कर रहे हो, अपनी खुशियों को आप हमेशा कह रहे हो यू नो आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दिस आफ्टर अ सर्टन टारगेट और आफ्टर अ सर्टन थिंग, यू नॉट रियली गोना एंजॉय इट. सो शेयर योर लाइफ, शेयर योर वेल्थ, शेयर योर हैप्पीनेस विद पीपल. ठीक है, हमेशा पुट असाइड सम मनी टू बी एबल टू एंजॉय इट एट अ लेटर डेट एंड अ स्टेज, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड फ्यूचर प्लानिंग. बट डोंट फॉरगेट द फैक्ट दैट आज का दिन भी आपके लिए उतनी ही अहमियत रखता है जो आज से 5 साल बाद शायद होगा. उस टाइम पे आप ज़्यादा पैसे कमाल हो गए यार, बट द फैक्ट इज डोंट फॉरगेट टू एंजॉय टुडे. और ये बात मुझे खुद को भी हमेशा बोलनी रहती है कॉन्स्टेंटली, बिकॉज यू नो यू हैव टू कीप सॉर्ट ऑफ रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ दीज थिंग्स. बट इफ यू एवर फील दैट यू आर पोस्टपोनिंग योर प्रेजेंट ओनली फॉर द फ्यूचर, आई थिंक उस इक्वेशन में थोड़ा सा उसे ट्वीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. It is one of those things I feel strongly about. कहना आसान है, करना मुश्किल है, because I think, you know, as Indian brains, we've also been trained to think about savings, we've been trained to think about not living on credit, which is fantastic. But if you're doing that at the cost of living your life, that may be something that you want to think about. Big Pucci.